हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन जुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ में हम आज क्लास 11th के चैप्टर 18 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको नीट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एनगल्फ पैथोजन्स रैपिडली। इनमें से कौन सी सेल जो है पैथोजन्स को एनगल्फ करती है, यानी कि बेसिकली ये किस चीज़ का पूछ रहा है कि ये जो प्रोसेस पूछ रहा है वो प्रोसेस कौन सा है? फैगोसाइटोसिस। कि रैपिड फैगोसाइटोसिस के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है? एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो जो बेसोफिल और एसिडोफिल्स है, ये दोनों तो फैगोसाइटोसिस करती नहीं है। बेसोफिल्स जो होती हैं, जब एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो उसके अगेंस्ट में बेसोफिल काम करती है, एलर्जेंस या एंटीजेंस के अगेंस्ट में हिस्टामिन और हेपरिन रिलीज करती है। एसिडोफिल्स, या इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स भी कहते हैं। ईओसिनोफिल्स जो होती है एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो गए गलत। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये दो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के अंदर जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करती है। इन दोनों सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रैपिडली कौन कर रही है, यानी कि जो जल्दी जल्दी फैगोसाइटोसिस कर रही है, दो सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स। कहीं पर भी अगर कोई टिश्यू डैमेज है या कोई ऐसा फॉरन पार्टिकल है जिसका फैगोसाइटोसिस करना है, तो उस के फैगोसाइटोसिस के लिए सबसे पहले जो सेल्स पहुंचती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी ये फैगोसाइटोसिस करती है मोनोसाइट्स को डैमेज की साइट तक आने तक लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, 6 to 7 hours, जबकि फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो विदिन 1 or 2 hour जो है, जहाँ पर भी टिश्यू इंजरी हुई वहाँ पर पहुँच जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होती है टूवर्ड्स द इन्फ्लेमेशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ, कि ओ ब्लड ग्रुप है उसके लिए क्या करेक्ट होता है? तो एंटीजन और एंटीबॉडीज पूछी हुई है। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो हम वैसे बात कर लेते हैं। अगर हम एंटीजन्स बात करते हैं तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीजन होता है वो कौन सा होता है? ए एंटीजन होता है। और उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो कौन सी होती है? एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है। ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन लगा होता है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो कौन सी होती है? एंटी बी। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब उसमें बी तो कौन सा होगा? एंटीजन। और उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो कौन सी होती है? एंटी ए। जिनमें ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें उनकी आरबीसी के ऊपर ए एंड बी दोनों तरीके के एंटीजन होते हैं और उनमें एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ज़ीरो। और जिनमें ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन तो क्या होता है? ज़ीरो, यानी कि कोई एंटीजन उनमें प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उनके प्लाज्मा के अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों तरीके की एंटीबॉडीज़ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन जो होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वही करेक्ट है कि नो एंटीजन प्रेजेंट बट बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर। आरएच फैक्टर जो होता है, ये भी जैसे एंटीजन्स होते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर, उसी तरीके से आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन देखा जाता है जिसको रईसस मकाका बंदर में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। तो रईसस मकाका मॉन्की में डिस्कवर किया गया था, तो इसका नाम भी उसी मॉन्की के स्पीशीज़ के बेस पे रख दिया गया, ठीक है। रईसस मॉन्की के बेस पे इसका नाम है। और 80% ऑफ ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आरएच पॉजिटिव, ठीक है। 20% आर आरएच नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ब्लड ऑफ अ फीटस इज एग्लूटिनेटेड बाय इट्स मदर्स आरएच एंटीबॉडीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइजेज एज अ सीवियर एनीमिया, ठीक है। उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? होता क्या है कि जब अगर कोई भी लेडी है जो कैसी है, आरएच नेगेटिव है, चाहे ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ये सभी कैसे होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। तो जब अगर उसका चाइल्ड जो है वो आरएच पॉजिटिव है, अगर आरएच नेगेटिव लेडी की शादी आरएच पॉजिटिव से होगी तो ऑब्वियसली द चाइल्ड विल बी आरएच पॉजिटिव, क्योंकि आरएच पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो अगर उसका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो कैसा है? आरएच पॉजिटिव है, तो फर्स्ट चाइल्ड के साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी
डिलीवरी में क्या होता है, मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है. तो फीटस के ब्लड जब एक्सपोज होगा मदर के ब्लड से, तो क्या कंडीशन आएगी कि मदर के ब्लड के अंदर उस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट डिलीवरी में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इसका सेकेंड चाइल्ड कंसीव होता है, तो प्लेसेंटा से फूड एंड न्यूट्रिशन दिया जाता है. तो प्लेसेंटा से जब फूड एंड न्यूट्रिशन दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड पे मदर के अंदर जो ऑलरेडी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे जो एंटीबॉडीज बनी थी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडीज़ भी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र. तो जो सेकेंड चाइल्ड है वो क्या होता है, सीवियरली एनीमिक होता है, क्योंकि उसको प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन के साथ साथ में क्या मिलती है, उसी की ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी मदर से ही मिल जाती है. तो इस तरीके की कंडीशन को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टिक फीटालिस. कई बार तो ये होता है कि सेकेंड फीटस की ड्यूरिंग द फीटस स्टेज ही क्या हो जाती है, वो फीटस ख़त्म हो जाता है. ठीक है, या फिर अगर बॉर्न भी होता है तो इट विल बी हाईली एनीमिक, बहुत ज़्यादा उसमें खून की क्या होगी, कमी. तो ये डिजीज़ क्या कहलाती है, इरिथ्रोब्लास्टिक फीटालिस. इसको रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी के टाइम पे ही फीमेल को, मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, जिसमें RH एंटीबॉडीज़ के बनने को रोका जाता है, ताकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ना बने. ठीक है, एंड दिस डिजीज इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन फोर साइड्स, विच ऑफ देम विल नॉट कॉगुलेट. कि इसमें से कौन किसका कॉगुलेशन नहीं होगा. ओके, करेक्ट ऑप्शन पे अपने आप टिक हो गया. ठीक है, होल ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड. अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड कॉर्पुसल्स यानी कि जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और ब्लड का प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है, प्लस कुछ प्रोटीन्स हो गए, और कॉगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रॉम्बिन हो गया, ये सारे के सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. तो होल ब्लड कहीं से भी लिया जाए, इट विल कॉगुलेट. लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम से. लिम्फ के अंदर भी RBC नहीं होती है, लेकिन कॉगुलेटिंग फैक्टर्स और WBC उसमें होती है. तो लिम्फ भी क्या होता है, कॉगुलेट होता है. ब्लड प्लाज्मा, अभी हमने बात की थी, प्लाज्मा के अंदर लिक्विड पोर्शन प्लस कॉगुलेटिंग फैक्टर्स. ब्लड सीरम जो होता है, सीरम क्या होता है, सीरम होता है प्लाज्मा माइनस कॉगुलेटिंग फैक्टर्स. प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन वगैरह है, इनको अगर निकाल दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं. तो सीरम कभी भी कॉगुलेट नहीं होता है. तो अगर इनमें से सबको रखा जाए तो ब्लड सीरम विल नेवर कॉगुलेट. क्यों? क्योंकि सीरम में से कॉगुलेटिंग फैक्टर्स को निकल, प्लाज्मा में से कॉगुलेटिंग फैक्टर्स को निकालने के बाद ही वो क्या बनता है, सीरम बनता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर फीटस RH ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी डिसऑर्डर. किस डिसऑर्डर की बात की जा रही है, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस की. कैन अकर इफ द मदर इज डैश एंड फीटस इज डैश. अगर मदर कैसी होती है, RH नेगेटिव, और फीटस कैसा होता है, RH पॉजिटिव होता है, तभी इसमें कौन क्या डेवलप होता है, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स अ हार्ट टू पंप द ब्लड इज फाउंड आउट द फर्स्ट टाइम. ठीक है, एनिमल इवोल्यूशन में सबसे पहले पंप करने वाला हार्ट जो है वो कौन से में शुरू होता है, एनालिट्स, फ्लैट वर्म्स, आर्थ्रोपोड्स एंड इकाइनोडर्म्स. तो अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, या सारे के सारे एनिमल फाइलम्स की बात करते हैं, तो एनिलिडा के अंदर सबसे पहले पंपिंग हार्ट जो है, उस जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. एग्जैक्टली हार्ट नहीं होता, कुछ टिश्यूज होते हैं, तो वो टिश्यूज़ जो होते हैं ब्लड को पंप करने का काम करते हैं. ठीक है, इससे पहले तक में कहीं पर भी ब्लड को पंप करने के लिए कोई मैकेनिज्म कहीं नहीं देखी जाती है. एनिलिडा से पहले प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज वगैरह तक में, एनिलिड्स के अंदर ये प्रोसेस सबसे पहले देखने को मिलता है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एनिलिडा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड. कैल्शियम को अगर फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड में से निकाल दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी. कैल्शियम का ब्लड कॉगुलेशन में बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो प्लेटलेट्स भी ब्लड के एयर के कांटेक्ट में आएंगी, और हवा के कांटेक्ट में आते ही प्लेटलेट्स जो है वो बस्ट आउट हो जाती है, फट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है. और प्लेटलेट्स जब फटती है
तब उनसे एक केमिकल निकलता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम प्लस कोगुलेटिंग फैक्टर 7 और 10 इनके साथ में मिलकर के क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला कॉम्प्लेक्स विच इज़ नोन एज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव फॉर्म हो जाती है, इस एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन कहते हैं। ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन्स जो भी ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है और जो फाइब्रिन्स होते हैं वो कैसी फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। ये फाइब्रिन्स जो होते हैं पतले पतले फाइबर्स होते हैं, इस तरीके से जहाँ पर भी चोट लगी हुई है ये वहाँ पर जाकर के एक मैश लाइक गॉज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके जो बीच बीच में जगह होती है वहाँ पर आरबीसी जो है वो आकर के क्या होती है, फंसने लग जाती है, आरबीसी भी आकर फंसने लग जाती है प्लस कैल्शियम, और यही जो होती है वो अपनी हमारी जो कहीं पे चोट लगती है उसके ऊपर जो जिसके आप पपड़ी सी बोलते हैं कि जो चोट लगने के ऊपर जो चीज़ आ जाती है, लेयर जो बन जाती है एक ब्राउनिश कलर की लेयर, वो लेयर इसी की बनी होती है। फाइब्रिन इनसोल्यूबल फिलामेंट्स होते हैं प्लस कैल्शियम, प्लस क्या होते हैं इनसोल्यूबल फिलामेंट्स के बीच में आरबीसी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए शुरुआत में रेड होती है, बाद में ब्राउनिश होनी और डार्क कलर की होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इस पूरे सिस्टम में से कैल्शियम को रिमूव कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी, शुरुआत ही नहीं होएगी कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग देरी से नहीं, क्लॉटिंग होगी नहीं। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। अगर कैल्शियम को रिमूव कर दिया जाए तो क्लॉटिंग होगी नहीं, इट विल प्रिवेंट क्लॉटिंग, ब्लड में थक्के नहीं बनेंगे, क्लॉटिंग नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिम्फ, लिम्फ के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ब्लड, ऑक्सीजन टू ब्रेन, ऑक्सीजन को कहीं पर भी ट्रांसफर करना है उसका काम, ये किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है, लिम्फ का काम नहीं होता। ट्रांसपोर्ट CO2 टू लंग्स, ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है, ठीक है। कि ब्लड जो होता है हार्ट जब उसे पंप करता है लंग से हार्ट में, हार्ट से ये जाता है बॉडी की तरफ और बॉडी से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, और बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी CO2 की होती है वो लेकर के वापस से हार्ट में आता है, हार्ट से वापस से लंग्स में, लंग से फिर से हार्ट में, हार्ट से वापस से बॉडी के अंदर, डबल सर्कुलेशन जो होता है इस तरीके का। इट रिटर्न्स इंटरस्टीशियल फ्लूड टू द ब्लड, ये सही है, क्योंकि जब आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी टू लिम्फ नोड, ये भी गलत है। इंटरस्टीशियल फ्लूड का क्या मतलब है कि जो भी बॉडी के सेल्स होती है, सेल्स के बीच बीच में कुछ फ्लूड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल फ्लूड्स, फ्लूड थिन लेयर होती है फ्लूड विच सराउंड द बॉडी सेल्स। तो लिम्फ जो होता है वहाँ से लिम्फ, उसमें जो बॉडी किसी का फ्लूड होता है वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन CO2 होता है वहाँ पे ये एक्सचेंज का काम करता है, लेकिन प्रॉपरली टिश्यू से लेकर के जाना, लेकर के आने का काम नहीं करता, ठीक है। इट इज़, हम ये कह सकते हैं कि लिम्फ जो है इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। ब्लड से ये ऑक्सीजन लेकर के टिश्यू को दे देगा, टिश्यू से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, कोई हार्मोन्स है, CO2 है, ये लेकर के किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। तो इंटरस्टीशियल फ्लूड के बीच में वहाँ पे ये इस तरीके से काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट जो होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, उसकी बाहर की जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, पेरिटोनियम, प्लूरल मैम्ब्रेन, पेरिकार्डियम और विजरल मैम्ब्रेन। तो कार्डियम या कार्डियो टर्म जो होती है इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट के चारों तरफ जो प्रेजेंट है विच इज सराउंडिंग द हार्ट इट इज़ पेरिकार्डियम, हार्ट इज कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स इन द हार्ट बिगिन्स बाय द कमांड ऑफ, ये पूछ रहा है कि वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, हार्ट के जो चार चैम्बर्स होते हैं दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स, या ठीक है एट्रिया या वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको तो हम कहते हैं सिस्टोल, और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन को क्या कहा जाता है,
डायस्टोल, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना, डायस्टोल यानी कि उनका रिलैक्स होना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है इट बिगिंस बाय द कमांड, इसकी जो मेन कमांड है चाहे अट्रियम के सिस्टोल की हो चाहे वेंट्रिकल के सिस्टोल की हो, दोनों के कमांड की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड, एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। ये जो होता है एक्शन पोटेंशियल को शुरू करने वाला होता है, जो कि पहले एट्रियम में सिस्टोल क्रिएट करता है, उसके बस स्लाइट पॉज के बाद में वेंट्रिकल्स में क्या हो जाता है, सिस्टोल हो जाता है, वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो कमांड की शुरुआत कहाँ से होती है, एसए नोड से होती है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, एसए नोड से शुरुआत होती है, उसके बाद में ये एवी नोड जो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक जाता है, फिर पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं दोनों वेंट्रिकल्स में इसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, और पुरकिंजे फाइबर्स इनको वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करते हैं, उसके बाद में ये कहाँ पे एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट साउंड डप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, ठीक है। हार्ट जब भी पंप करता है तो दो साउंड होते हैं, फर्स्ट साउंड तो होती है लब, और सेकंड साउंड जो होती है दैट इज डब, डब या डब, बी या पी कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों साउंड्स कब होती है, अगर हम बात करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर की, तो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, अट्रियम एंड वेंट्रिकल, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट अट्रियम और लेफ्ट अट्रियम। राइट अट्रियम अगर हम बात करते हैं सिर्फ लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उस वॉल को कहा जाता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्स, ठीक है। और राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्स, ठीक है, ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड। ये जब, ये जो दोनों वॉल जब बंद होते हैं, ठीक है, इनकी जब क्लोजर होती है तब फर्स्ट साउंड सुनाई देता है एंड दैट इज़ नोन एज लब, लब साउंड। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अट्रियम से निकलने की, तो ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये खुलते हैं अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा में ओपन होता है और राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है उस वॉल को हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्स जो होते हैं वो सेमी ल्यूनर वॉल्स जब क्लोज होते हैं तब सेकेंड साउंड सुनाई देती है दैट इज नोन एज डब। तो फर्स्ट साउंड सुनाई देती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोजर पर, और जो सेकंड साउंड आता है हार्ट का डब वो सुनाई देता है सेमी ल्यूनर वॉल्स के क्लोज होने पर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, व्हेन सेमी ल्यूनर वॉल्स एट द बेस ऑफ एरोटा गेट्स क्लोज्ड, ठीक है, एरोटा के बेस पर नहीं, एट द बेस ऑफ वेंट्रिकल्स गेट क्लोज्ड, क्योंकि सेमी ल्यूनर वॉल्स वेंट्रिकल के बेस पर होते हैं, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी की शुरुआत में होते हैं, उनकी स्टार्टिंग में ही होते हैं, ठीक है। जब इनकी क्लोजिंग साउंड होती है दैट इज नोन एज डब। लब साउंड कब होती है, ट्राइकस्पिड और मिट्रियल वॉल्व जो होते हैं, मिट्रियल को ही हम कहते हैं बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोजर पे जो साउंड होती है दैट इज लब साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, वॉल्व का काम क्या होता है। वॉल्व जो होता है एट्रियम्स और वेंट्रिकल के बीच में भी होते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और इनसे जो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है उनके यहाँ पर भी होते हैं। वॉल का सीधा सा काम क्या होता है, जो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल से आगे आर्टरीज और एरोटा में चला गया है, उसको वापस पीछे आने से रोकना, ठीक है। फ्लोइंग बैक इनटू एट्रियम और फ्लोइंग बैक इनटू वेंट्रिकल्स, इसको फ्लो बैक होने से वापस रोकना जो होता है, ये काम किसका होता है, वॉल्व का काम होता है, वॉल्व का काम होता है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द एरोटा, नहीं इनटू द एरोटा नहीं, एरोटा से वापस वेंट्रिकल में आने को रोकती है। टू पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, ब्लड को वेंट्रिकल में पुश करने के लिए एसए नोड जो होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे कि एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एट्रियम सिस्टोल से ब्लड जो है वो क्या क्या होता है, पुश किया जाता है, वॉल्व का इसमें रोल नहीं होता है, ठीक है। टू पुश ब्लड इनटू एरोटा,
एरोटा के अंदर ब्लड को पुश करने के लिए एवी नोड पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे पहले एसए नोड कॉन्ट्रैक्शन, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे पहुँचता है, एवी नोड में, एवी नोड से जो पुरकिंजे के फाइबर्स होते हैं उनमें, और पुरकिंजे फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे कि पूरा का पूरा वेंट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जो ब्लड है वो किस में पुश कर दिया जाता है, एरोटा के अंदर, ठीक है। तो वॉल्व का वहाँ पे भी रोल होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का बैक फ्लो है, ठीक है, उसको रोकने के लिए वॉल्व क्या आते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही होता है कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट और राइट एट्रियम के अंदर भी बैक फ्लो जो है उसको रोकने के लिए भी क्या काम में आता है, वॉल्व ही काम में आते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वेव ऑफ ECG अकर्स बिफोर द डैश डैश डैश। अगर हम ECG की बात करते हैं तो लगभग इस तरीके से उसके अंदर क्या होती है, वेव्स प्रेजेंट होती है, जिसमें यहाँ पे होती है पी, ये होता है क्यू, आर, एस और लास्ट क्या होता है, टी पी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जब स्टिमुलस जब जाता है तब इस तरीके की वेव्स होती है। पी वेव जो होती है ये शो करती है कॉन्ट्रैक्शन इन अट्रियम, अट्रियम जो होता है उन दोनों एट्रिया जो होते हैं उनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोलिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो सिस्टोलिक कंडीशन जो होती है वो किससे डिनोट की जाती है, पी से। QRS ये जो पीक है, QRS पीक जो है ये डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, जब रिलैक्सेशन होता है तब आपके क्या होता है, वापस से रिपोलराइजेशन की कंडीशन। और टी जो है ये शो करती है वेंट्रिकल्स के नॉर्मल होने को, रिलैक्सेशन को, यानी कि वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशन को। पी सिस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन अट्रियम और डीपोलराइजेशन, QRS डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, टी जो है वो किसको करती है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या वेंट्रिकल का वापस से क्या होना, रिलैक्सेशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पी वेव को क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नो, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन QRS से शो किया जाता है, एंड ऑफ एट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन QRS से होता है ये भी, ठीक है। बिगनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है कि जो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत है वो किससे होती है, आपके पी वेव से डिनोट की जाती है, जिसे हम किस में रीड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर रीड कर सकते हैं, पी QRS टी, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी वेव। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल किसे कहते हैं, तो जब एक बार साइकिल चलता है तब जॉइंट डायस्टोल आपके दो बार आता है, एक तो शुरुआत में, अगर हम साइकिल की शुरुआत में जब चारों के चारों चैम्बर जो है हार्ट के वो कैसे हैं, रिलैक्स्ड कंडीशन में है, जब चारों चैम्बर रिलैक्स्ड होते हैं यानी कि कोई भी सिस्टोल की कंडीशन में नहीं है, जब चारों एक साथ डायस्टोल की कंडीशन में है तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अगर हम बात करते हैं हार्ट के पंपिंग को, तो शुरुआत में एसए नोड जब है वो स्टिमुलस देता है तो एट्रियम पंप, एट्रियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टोल में होते हैं, और वेंट्रिकल्स कैसे रहते हैं, डायस्टोल में रहते हैं। फिर जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में चला जाता है, और उसी के साथ ही जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो भी वेंट्रिकल में जाता है, तो इस टाइम ड्यूरेशन पर एट्रियम जो है एवी नोड के इम्पल्स के होने के बाद में एट्रियम पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, और सारा का सारा ब्लड कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफ़र। एवी नोड तक इम्पल्स आ गया, एवी नोड से इम्पल्स कहाँ पे जाता है, पुरकिंजे फाइबर्स में जाता है, और पूरा का पूरा जो ब्लड है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ब्लड कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। इस टाइम पीरियड के होने के बाद में सेमिल्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तो पहले ही क्लोज हो जाता है एवी नोड के कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, सेमिल्यूनर भी क्लोज हो जाता है। सेमिल्यूनर के क्लोज होने के साथ में चारों जो है वो एक साथ फिर से कैसे आ जाते हैं, रिलैक्सेशन की कंडीशन में आ जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जॉइंट डायस्टोल। तो एक तो शुरुआत में होते हैं, फिर यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल आता है, उसके बाद में फिर से एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, फिर एसए नोड से एवी नोड को जाना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, फिर आगे सेमिल्यूनर वॉल्व्स का क्लोज होना। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है।
अब हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या कह रहे हैं। जॉइंट डायस्टोल कब होता है? बोथ एट्रिया रिलैक्स बट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नो। जॉइंट डायस्टोल में चारों के चारों चैम्बर कैसे होते हैं? रिलैक्सड होते हैं चारों चैम्बर्स डायस्टोल में। वेंट्रिकल रिलैक्स बट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। सेमिलुनर वॉल्स आर ओपन, ठीक है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सेमिलुनर वॉल्स जब ओपन होते हैं उसी टाइम पीरियड पर आपके क्या होते हैं, वेंट्रिकल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकल रिलैक्स कब होता है? जब सेमिलुनर वॉल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज, ठीक है। डी व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, ये सही है क्योंकि एक बार जब एवी नोड ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाता है लब, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है तब ब्लड जो है उसके बाद में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वापस से क्या हो जाते हैं, ओपन, ताकि एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में रहेगा, ब्लड का फ्री मूवमेंट होता है, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट होता है, प्रेशर से मूवमेंट नहीं होता है। उस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि चारों वॉल्व जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन होते हैं तब चारों के चारों जो चैम्बर्स होते हैं वो कैसे होता है, सिस्टोलिक कंडीशन में होता है, इट इज़ इन द रिलैक्स पोजिशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, When tricuspid and bicuspid valves are open. Next question, closure of which of the following valves makes louder sound of heartbeat? ठीक है कि कौन से valve पे close होने पर ज़्यादा loud sound होता है? तो heartbeat में दो sounds होते हैं, lub and dub. ठीक है, इन दोनों में से जो louder sound होता है वो कौन सा होता है? Lub जो होता है that is louder. लब साउंड कब आता है? जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड को ही हम क्या कहते हैं, मेट्रियल वॉल्व, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड कंबाइंडली आर नोन एज ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व यानी कि वो वॉल्व जो कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर या तो ए सी डी तीनों करेक्ट है, लेकिन क्योंकि अलग अलग नहीं मेंशन किए हुए तो ऑरिक्यूलो वेंट्रल वॉल्व के अंदर मिट्रल वॉल्व्स और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली नहीं पूछ करके ये पूछा गया है कि कौन से वॉल्व यहाँ पर ज़्यादा लाउड साउंड देते हैं, तो जो लब साउंड होती है वो ज़्यादा लाउड होती है रेदर देन डब, ठीक है। लब साउंड किससे आती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से आती है, और ये दोनों वॉल्व्स कौन से होते हैं, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज मैक्सिमम हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम। अगर हम मैक्सिमम हार्ट बीट्स देखते हैं पर यूनिट टाइम में, हम एक मिनट की बात कर लेते हैं पर मिनट, वेल जो है वो 11, ब्लू वेल कई बार तो बहुत टाइम पीरियड पे 6 से 8 तक भी, 4 से 8 तक इसकी हार्ट बीट हो सकती है। कैमल की हार्ट बीट की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है 35 to 50 बीट्स पर मिनट। रैट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हार्ट बीट होती है 330 to 480 बीट्स पर मिनट। टॉर्टोइज जो है ये आपके होता है 25 से 30, ठीक है, 25 to 30 बीट्स पर मिनट। लेकिन हमें ये सारी की सारी जो हार्ट बीट्स हैं वो हार्ट बीट्स याद नहीं रखनी है। आंसर इसका कौन सा होएगा, रैट होएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसकी हार्ट बीट कितनी होती है। ह्यूमंस की रखनी है याद, 60 to 110 तक के बीच में हो सकती है, और एग्जैक्टली पूछा जाए तो 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन अगर आपसे कोई भी एनिमल्स देके पूछ लिया जाए तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी एनिमल जितना ज़्यादा बड़ा होगा साइज में उसकी हार्ट बीट उतनी क्या होगी, स्लोअर। लार्जर द एनिमल स्लोअर द हार्ट बीट, स्मॉलर द एनिमल फास्टर द हार्ट बीट, ठीक है। तो आपसे हार्ट बीट किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी, कुछ भी पूछा जा सकता है, एनिमल्स के साइज़ के बेस पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा साइज होगा एनिमल का उसकी हार्ट बीट उतनी क्या होती जाएगी, स्लो। पर मिनट उसकी हार्ट बीट उतनी ही क्या होगी, स्लो। जितना छोटा उसकी हार्ट बीट उतनी क्या होगी, ज़्यादा। तो रैट्स के अंदर हार्ट बीट क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसमें मैक्सिमम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया अलाउज द एट्रिया टू कम्प्लीटली एम्प्टी एज द वेंट्रिकल फिल्स विद ब्लड। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एट्रियम जो होते हैं वो कम्प्लीट एम्प्टी कब होते हैं, यानी कि एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो सारा का सारा वेंट्रिकल्स के अंदर कब ट्रांसफ़र हो जाता है,
किसकी एक्टिविटी से। अब हमें पता है कि जब हार्ट बीट है उसमें ये जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, एवी नोड्स, एवी बंडल्स, एसए नोड्स एंड पुर्किंजी फाइबर्स, इन चारों की एक्टिविटी होती है हार्ट बीट में, यानी कि हार्ट को सिस्टोल और डायस्टोल में लेके आने और लेके जाने के लिए इन चारों की रोल है, ठीक है। लेकिन इनमें से किसकी एक्टिविटी से एट्रियम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खाली, ठीक है। तो एसए नोड, सिनेट्रियल नोड, एवी बंडल्स और एवी नोड्स क्या होते हैं, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड्स। हम पूरी डिटेल बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि शुरुआत जो होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वो कहाँ से होती है, इंटरनल पेसमेकर या जो होता है एसए नोड। एसए नोड को क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, राइट एट्रियम की वॉल के ऊपर होती है, ठीक है। ये सबसे पहले स्पॉन्टेनियस इम्पल्स जो होता है ये करता है, इसके इम्पल्स से एट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का, दोनों एट्रियम एक साथ सिस्टोल में जाते हैं। उसके बाद में जो पल्स होती है एसए नोड से, पल्स जो होती है वो रीच करती है एवी नोड तक, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर तो होता है एसए नोड और यहाँ पर क्या होता है आपके एवी नोड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे ही एवी नोड तक एट्रियम इम्पल्स आती है वहाँ पर स्लाइट पॉज होता है, वो होता है 0.1 सेकेंड का पॉज, ठीक है। उस 0.1 सेकेंड के पॉज होता है बिफोर स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। एसए नोड से एवी नोड से आने के बाद में वेंट्रिकल की पूरी दीवार में, वेंट्रिकल की पूरी वॉल में जब इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है उसके बीच में क्या होता है, 0.1 सेकेंड का क्या होता है, गैप होता है। इसी गैप टाइम पीरियड में क्या होता है, एट्रियम जो होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खाली, क्योंकि एट्रियम तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है और वेंट्रिकल अभी भी क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है। तो इसी विद इन 0.1 सेकेंड, ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड का गैप होता है, उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, एट्रियम जो होता है पूरा का पूरा कहाँ पे हो जाता है, खाली, सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद में एवी नोड से एवी बंडल्स जो होते हैं उनके अंदर इम्पल्स, और एवी बंडल से फिर आगे पुर्किंजे फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इम्पल्स जाता है। और ये एवी बंडल और पुर्किंजे फाइबर्स में जो इम्पल्स जाता है उससे वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनमें सिस्टॉल होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को कहाँ पे, आगे एरोटा और पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर क्या कर देते हैं, पंप कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एसए नोड तो शुरुआत करता है, लेकिन एट्रियम खाली कब होते हैं, एट्रियम पूरी तरीके से एम्प्टी कब होता है, जब एवी नोड क्या होता है इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ब्लड जो है, क्योंकि दोनों में 0.1 सेकेंड का पॉज आ जाता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक छोटा सा गैप आ जाता है जिसमें उस कुछ विद फॉर दैट पर्टिकुलर 0.1 सेकेंड एट्रियम क्या होता है आपके, खाली हो जाता है, और सारा का सारा ब्लड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, और वेंट्रिकल 0.1 सेकेंड पीछे हो जाता है। यही रीज़न होता है कि हाथों हाथ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाते हैं उस 0.1 सेकेंड के गैप के अंदर, एट्रियम खाली, जो और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं उनका बंद हो जाना, फिर वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कहाँ पे ब्लड को कहाँ पे कर देता है, आगे पंप कर देता है। सेमिल्यूनर वॉल्स भी क्या हो जाते हैं, बंद, सेमिल्यूनर वॉल्स बंद होते हैं, ऊपर से वापस से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुल जाते हैं। इनके खुलने के बाद में जो पल्मोनरी वेन है और वेना केवा, ठीक है, उनसे ब्लड जो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू ही क्या हो जाता है, आपके ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोई फोर्सफुली पंप नहीं किया जाता। फिर इसके बाद में एसए नोड वापस से इम्पल्स जनरेट करता है, पूरा का पूरा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र, इस तरीके से इट गोज़ ऑन। यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको, क्योंकि कोई डायग्राम बनाने के लिए जगह नहीं है, बट आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि नीट आपकी आ गई है, तो इट इज़ जस्ट अ रिविज़न। तो एवी नोड जो है उसकी एक्टिविटी से क्या होता है, एट्रिया पूरी तरीके से क्या होता है, एम्प्टी होता है इनटू द वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड ईसीजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी, पी वेव्स जो होती है वो क्या करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है, QRS जो होता है दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और टी जो है वो क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और QRS के साथ में ही
सिस्टोल भी जो एट्रिया होते हैं वो भी क्या हो जाता है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पी इज इक्वल्स टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS में क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, ठीक है, S भी उसी का पार्ट हो गया। D क्या होता है, एंड ऑफ डायस्टोली, डायस्टोल का वापस से गेन करना, ठीक है, रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल्स का वापस से किस में आना, नॉर्मल स्टेट डायस्टोल के अंदर आना। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओपन्स इनटू, ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो कहाँ से, ओके, कहाँ से कहाँ पे खुलती है। हम हार्ट का पूरा डायग्राम देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बना के, आई विल जस्ट मेक अ सिंपल डायग्राम। सपोज कीजिए कि ये आपका हार्ट है, ये जो ऊपर वाले ये एट्रिकल एट्रियम है, नीचे वाले कौन से आपके वेंट्रिकल, ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये हार्ट का इधर कौन सा हो गया, राइट पार्ट। अब हार्ट में जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन, कुछ बुक्स इसे प्योर और इम्प्योर भी लिखती है, लेकिन ये पुरानी टर्मिनोलॉजी हो गई है, अब ऑक्सीजनेटेड और नॉन डी ऑक्सीजनेटेड को काम में लिया जाता है। और जो राइट पार्ट है वहाँ पे कैसा ब्लड ट्रेवल करता है, डी ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में कौन सा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन, सॉरी, पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, और वो कहाँ पे ओपन होती है, एट्रियम में ओपन होती है, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये किस में जाता है, एरोटा के अंदर, जिसको हिंदी में कहा जाता है महाधमनी, ठीक है, एरोटा, एरोटा से आगे बहुत छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर, और वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पूरी बॉडी से जो वेन्स होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, और वो एक बड़ी वेन बना लेती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, वेना कावा, ठीक है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यू से आता है, फिर टिश्यू से सारी की सारी वेन्स कलेक्ट होकर के मेजर वेन्स बनाते हैं, फिर एट लास्ट ये सारी की सारी वेन्स कहाँ पे इकट्ठी होती है, वेना कावा में, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेकर के आया जाता है। और ये वेना कावा कहाँ खुलती है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये जो राइट वेंट्रिकल है ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इससे ये निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेकर के जाती है, वापस से लंग्स में, लंग से उस ब्लड को ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी, वो कहाँ पे ले आएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा पूरी बॉडी में। इस तरीके से ब्लड जो है पूरा का पूरा ब्लड दो बार फ्लो होता है हमारे हार्ट से, ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है, इट इज़ अ कम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पल्मोनरी वेन कौन सी है, जो कि पल्मोनरी यानी रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स से जो वेन आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, और कहाँ ओपन होती है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर या लेफ्ट एट्रियम में क्या होती है, ओपन होती है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी कि हम पूरी बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स जो होते हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन उल्टा है, ठीक है, इट इज़ अपोजिट। पल्मोनरी वेन जो होती है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ से कहाँ आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके जाएगी, लंग से हार्ट तक लेके आएगी, और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ पर लेकर के जाती है, लंग्स तक लेकर के जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपके पूरा क्लियर डायग्राम है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द, कि अमाउंट जो है वो कहाँ पे ऑक्सीजन, कहाँ पे ब्लड में से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, मैक्सिमम अमाउंट कहाँ लॉस्ट होता है, कैपिलरी सराउंडिंग द टिश्यूज, सही है, आर्टरीज ऑफ द बॉडी, आर्टरीज खुद ऑक्सीजन को काम में नहीं लेती है, वो ऑक्सीजन को ब्लड को कैरी करने का काम करती है, कैपिलरी सराउंडिंग द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन ब्लड को मिलता है,
क्योंकि एल्वियोलाइज में क्या होता है, एल्वियोलाइज में ब्लड से CO2 तो एल्वियोलाइज में ट्रांसफ़र हो जाती है, और एल्वियोलाइज से ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पे आ जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट यहाँ पर भी नहीं, मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पे दे दिया जाता है, टिश्यूज़ को दे दिया जाता है, जो कैपिलरीज टिश्यूज़ को कवर किए हुए होती है वहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड से निकल करके कैपिलरीज में चली जाती है, और वेन्स जो होती है वो वहाँ से वो क्या होती है उसको कलेक्ट कर लेती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो मैक्सिमम अमाउंट कहाँ लॉस होता है, इन द टिश्यूज ऑफ दिस बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स हैज एन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अभी अभी हमने आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बताया था, यानी कि एक राउंड के अंदर जो ब्लड है वो दो बार हार्ट से ट्रैवल करता है, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब ये हो जाता है कि जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, एम्फीबियंस के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए, क्रोकोडाइल वगैरह को, तो उसके अलावा बाकी सभी रेप्टाइल्स में कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है जिनके अंदर दो एट्रिया होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो इट इज़ लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, वो कहीं से भी आ सकता है, गिल्स, लंग्स, स्किन, कहीं से भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकता है, और राइट एट्रियम जो है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लेकर के आता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। वही कंडीशन होगी जो ह्यूमंस में होती है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, एक ही वेंट्रिकल होता है, उस वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके का सर्कुलेशन क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। और ये किस में होता है, जिन जिन में थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, एम्फीबियंस एंड लिजर्ड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स को छोड़ करके बाकी सारे रेप्टाइल्स। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल नहीं, शार्क एंड वेल, वेल्स मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। लिजर्ड एंड पीजन, पीजन में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एवीज जब तक पहुँच जाते हैं तब आपके। टोड एंड लिजर्ड, क्योंकि एक एम्फीबियन है और एक क्या है आपके, रेप्टाइल है, और इन दोनों में क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नर्व्स ऑफ हार्ट आर कट देन हार्ट विल बी, कि जो हार्ट में जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स जो हार्ट तक आती है, अगर उनको कट कर दिया जाए तब क्या कंडीशन होगी, ठीक है। नर्व जो है हार्ट तक, सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट बीट को बढ़ाने का और हार्ट बीट को कम करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन हार्ट की जो बीटिंग है, हार्ट का जो धड़कना है, बीटिंग है, ये किससे कंट्रोल होती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय SA नोड। SA नोड जो है वो हार्ट इज़ मायोजेनिक, हार्ट की जो मसल्स होती है वो SA नोड को वो देती है, इम्पल्स देती है, इम्पल्स शुरू करवाने के लिए। तो अगर नर्व्स को हटा दिया जाए तो हार्ट को फास्ट बीट करना है या स्लो बीट करना है, ये इम्पल्स, ये मैसेज तो है हार्ट तक नहीं जा पाएगा, लेकिन SA नोड तो अपना काम कर रहा है ना, मसल्स तो वहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो SA नोड अपना काम करता रहेगा तो हार्ट बीट जो है एक रिदमिक हार्ट बीट चलती रहेगी, कि हार्ट विल बीट एट अ एक पेस पर, एक ही स्पीड से हार्ट क्या करता रहेगा, बीट करता रहेगा। कि जैसे अगर आप भाग रहे हो या आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, या आपकी फ़ोन आपके पेरेंट्स के हाथ में है तो भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो वो चीज़ नहीं होगी अगर नर्व्स को कट कर दिया जाए, यानी कि पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाएगी हार्ट बीट को तेज़ या स्लो करना, लेकिन SA नोड अपना काम करता रहेगा तो एक फिक्स रेट पर हार्ट विल बीट एंड इट विल बीट रिदमिकली। फिक्स रेट पर जब बीट करेगा तब उसे क्या कहा जाएगा, इट विल बीट रिदमिकली, ठीक है। तो एक फिक्स पे वो बीट करता रहेगा, हार्ट बीट स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि हार्ट बीट कहाँ से शुरू हो रही है, SA नोड से शुरू हो रही है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ऑफर रेफर्ड एज, ठीक है, डायरेक्ट नाम पूछा गया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है उसको और क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस और एंजिना। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि जो वेसल हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट की मसल्स को काम करने के लिए भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो जो मसल्स होती है वो हार्ट वेसल्स जो होती है वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है,
जिससे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिससे कि हार्ट बीटिंग में क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ये डिपॉजिट हो जाती है हार्ट की आर्टरीज के अंदर, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडल्ट मैन नॉर्मल बीपी इज, नॉर्मल बीपी कौन सा होता है, सबको पता है 120-80 mmHg, 120-80 जो है सिस्टोलिक, 120 डायस्टोलिक कैसा होना चाहिए, 80 mmHg क्या होता है, नॉर्मल बीपी होता है इन एन अडल्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉकेज इन एरोटिक वॉल्व वो डायरेक्टली रिड्यूस ब्लड फ्लो ऑफ, हमने बात की थी सेमी लूनर वॉल्व्स की, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा है उनके बीच में जो सेमी लूनर वॉल्व होता है वो होगा आपका कौन सा, एरोटिक वॉल्व। अगर एरोटा का जो वॉल्व है वो वॉल्व अगर बंद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से पंप किया जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है और वो वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे जाता है, एरोटा के अंदर। अगर ये वॉल जो है वो बंद हो जाएगा तो क्या हो रहा है कि पल्मोनरी वेन जो लंग्स से ब्लड को लेकर के आ रही है, ठीक है, लंग्स में आपकी होती है पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी, लंग्स से ब्लड को लेकर के आती है और इससे आगे एरोटा में जो जाने का जो वॉल है, हार्ट बीच में आ गया आपका, हार्ट से एरोटा में जो जाने का वॉल है वो क्या हो गया आपके, बंद हो गया, ठीक है। अगर तो क्या हो जाएगा कि जो लंग्स से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो ऑफ द पूछा है क्वेश्चन में, ब्लड फ्लो टू द नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कहाँ पे, अगर ये पूछा जा रहा है कि ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड, तो टू द अगर पूछा जाता तो पूरी की पूरी बॉडी अफेक्ट होती, ठीक है, क्योंकि एरोटा जो है वो बॉडी में क्या लेकर के जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन फ्रॉम द पूछा है ब्लड फ्लो ऑफ द लंग्स, लंग से जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन जिसको लेकर के आ रही है वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, तो अफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन से होंगे, लंग्स विल बी अफेक्टेड, ठीक है। हार्ट अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि हार्ट तो सिर्फ एक चैनल का काम कर रहा है, ठीक है। ब्लड आ कहाँ से रहा है, लंग से आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेकर के आ रही है, हार्ट बीच में एक चैनल का काम, टनल का काम कर रहा है और वो आगे कहाँ पे जा रहा है, एरोटा से होकर के पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। तो जो लंग से जो ब्लड फ्लो है दैट विल बी अफेक्टेड, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज लूजिंग ब्लड कंटिन्यूअसली ड्यू टू इंजरी द देन व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन हिज पल्स एंड बीपी इनिशियली, शुरुआत में क्या क्या इफेक्ट होगा अगर ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लड विल पल्स जो है वो क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, क्योंकि हार्ट जो है जल्दी जल्दी क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को लॉस को कवरअप करने के लिए। लेकिन क्योंकि देखिए नॉर्मल कंडीशन अगर होती कि एक पूरी बॉडी है कवर्ड बॉडी है जहाँ पे कोई इंजरी नहीं है, ये कंडीशन अगर होती तो जैसे पल्स बढ़ेगी तो उसके साथ में बीपी भी बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि बॉडी में कहीं पर भी एक कट है, हाथ में कट है या कहीं पर भी कट है, जिससे कि ब्लड क्या हो रहा है, निकले जा रहा है फटाफट, तो हार्ट तो अपना काम करेगा, हार्ट की जो पल्स है इट विल राइज, लेकिन बीपी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि एक साइड पे ओपन एंड हो गया ना, तो ब्लड वहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ब्लड के निकलने के कारण ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल रिड्यूस, ये क्या हो जाएगा, इट विल फॉल। तो पल्स विल राइज एंड बीपी विल फॉल, ये दोनों अपोजिट क्यों हो गए, क्योंकि एक साइड कट लगा हुआ है। अगर कट नहीं लगा होता तो अगर हार्ट बीट बढ़ती है तो बीपी भी क्या होता है, बढ़ता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन क्योंकि एक तरफ से ब्लड का नुकसान हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो पल्स तो राइज होगी लेकिन बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट विल फॉल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व्ड इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में कौन सी काम में आती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, बी लिम्फोसाइट्स का काम ही क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, प्रोटीन की बनी होती है, ये सिंथेसिस इनका कहाँ पे होता है, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर होता है, बी लिम्फोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एरोटा इज मैक्सिमम, जो एरोटा होती है जैसे हिंदी में महाधमनी भी कहा जाता है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर मैक्सिमम जो है वो कब होता है, ठीक है। एरोटा में ब्लड कहाँ से आता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट
वेंट्रिकल से किस में ब्लड आता है, आपके एरोटा के अंदर आता है। तब एरोटा में ब्लड प्रेशर कब सबसे ज़्यादा होगा, जब उसमें हाथों हाथ ब्लड जो है क्या है वो आया है, ठीक है, कि पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट उसमें। तो एरोटा के अंदर पूरा का पूरा ब्लड खाली कब होगा, जब जो वेंट्रिकल है वो पूरा का पूरा क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरा सिस्टोलिक कंडीशन में होगा, तब उसने अपना सारा का सारा ब्लड जो है किस में ट्रांसफ़र कर दिया, एरोटा में ट्रांसफ़र कर दिया। उस टाइम पे एरोटा का जो प्रेशर है वो क्या होएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो व्हेन लेफ्ट एट्रियल इज़ इन सिस्टोलिक कंडीशन, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जब किस कंडीशन में होता है, सिस्टोलिक या कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में होता है, तभी एरोटा के अंदर प्रेशर सबसे क्या होएगा, ज़्यादा होगा। व्हेन सिस्टॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एट दैट टाइम, उस टाइम पे एरोटा में प्रेशर क्या होएगा सबसे ज़्यादा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। वेना कावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, फिर वो जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। तो कंपैरिजन किया हुआ है, देखिए सेम एज एरोटा, मोर देन इन द कैरोटिड्स, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन एंड लेस देन दैट इन द वेना कावा, ठीक है। तो अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये इसका काम क्या होता है, ब्लड को राइट एट्रियम से लेकर के कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर लेकर के जाती है, ठीक है, लंग्स में लेकर के जाती है, फिर वहाँ से वापस से पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है। तो ये देखा जाता है कि सिंस द ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है इज पम्प्ड बाय हार्ट, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या कंडीशन की गई है कि यहाँ पर ये आपके पल्मोनरी आर्टरी अगर निकल रही है, सॉरी मैंने हार्ट थोड़ा सा काफ़ी, तो इसमें हाथों हाथ ब्लड को क्या किया गया है, पम्प किया गया, और पल्मोनरी वेन जो है वो इस तरीके से लंग से आ रही है। तो पल्मोनरी वेन में कहीं से कोई सी चीज़ को पंप तो नहीं किया जा रहा ना, तो जहाँ पे पंपिंग एक्शन से ब्लड पहुँचा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, रैदर देन पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन से तो ब्लड आराम से फ्लो होके आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड को प्रेशर से पंप करके भेजा गया है। तो पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर जो होता है इट इज़ मोर देन द ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है और पल्मोनरी वेन का प्रेशर हमेशा कम, क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड को धक्का देके ब्लड के थ्रू पंप करके क्या होता है, भेजा जा रहा है, दैट्स वाई। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।